आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर मंथन के लिए भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न हो गयी। बैठक के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी ही 2019 का चुनाव जीतेगी और अगले 50 सालों तक भाजपा को कोई हरा नहीं पाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आखिरी दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संबोधन की केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को जानकारी दी। प्रसाद ने कहा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सरकार के प्रदर्शन और संगठन की शक्ति आधार पर 2019 का चुनाव तो जीतेंगे ही और 50 सालों तक कोई हरा नहीं पाएगा। प्रसाद ने कहा कि यह कोई अहंकार नहीं है, यह बात प्रदर्शन के आधार पर कही जा रही है। शाह ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री बिना थके देश के लिए काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम 2019 का चुनाव जीतेंगे और अगले 50 साल तक सत्ता में बने रहेंगे।